हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं और आज की डेट है 13 अक्टूबर और आज संडे है। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और आज शरद पूर्णिमा भी है, तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज क्या होता है, खीर बनाई जाती है शाम को हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या होता है मुझे जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे अभी मैं जा ही रही हूँ खीर बनाने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड से दूध मंगवाया है क्योंकि दूध खत्म हो चुका था। मतलब है तो चाय के लिए ही है, खीर के लिए नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि दूध लेके आओ, फिर फटाफट से मैं खीर बनाती हूँ। तो सुबह से मैंने क्या किया, घर के सारे जो काम होते हैं वो सारे काम निपटाए। आज लंच में बनाया था मैंने कढ़ी चावल रोटी, तो वो हम लोगों ने कर लिया था क्योंकि आज पुणे थी। या तो सब्जी पूड़ी बनाती या फिर कढ़ी चावल बनते हैं, तो मैंने कढ़ी चावल बनाया क्योंकि पूड़ियां तो इनको ज्यादा पसंद नहीं है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ खीर, चावल की खीर। तो आज क्या होता है, जो हम खीर बनाते हैं ना, उसे चांद की रोशनी में रखना होता है छत पे थोड़ी देर के लिए कटोरी में। और जैसे थोड़ा सा उजाला और उस वो खीर में पड़ जाती है ना, उसके बाद सारी खीर में मिला के हम प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। और भगवान जी का भी भोग लगाया जाता है, खीर पूड़ी का, पुए का। और हमारे यहाँ पे एमपी साइड में तो ना आज के दिन भंडारे भी होते हैं खीर के, जो मंदिर होते हैं ना वहाँ पे खीर बना के बांटी जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ पे हर घर में खीर बनती है आज के दिन। और आज मेरे एक जीजाजी हैं, उनका भी बर्थडे है, शरद पूर्णिमा वाले दिन ही उनका बर्थडे पड़ता है, इसलिए उनका शरद नाम है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू जीजाजी। और मुझे याद आ गया यार शरद पूर्णिमा से, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। तो बस ये दूध लेके आ जाए, उसके बाद मैं खीर बनाने जा रही हूँ किचन में। और थोड़े से बर्तन डले हुए हैं वो क्लीन कर, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है आपसे बात कर रही हूँ तो, क्योंकि फैन ऑफ है ना इसलिए बहुत ज्यादा नॉइस होती है फैन की। और अभी हमको इवनिंग में जाना है लखा जी के प्रोग्राम में, आज भी उनका प्रोग्राम है रोहिणी में, तो हम लोग जाने वाले हैं। तो बस सारे काम अपने निपटा लूं, उसके बाद सोच रही हूँ कि फटाफट से थोड़ा इनके साथ मार्केट भी हो आती हूँ। ये पास के शॉप से मैं थोड़ा बहुत सुहाग का सामान जो रह गया था वो ले आती हूँ। और ये अभी तक आई नहीं है, कितना टाइम हो गया इनको गए हुए। मैं रेडी भी हो गई, तैयार भी हो गई, सब कुछ हो गया, मतलब ये नहीं आ पाया। मैं सोच रही थोड़े से बर्तन है वो क्लीन कर दूं पहले। सुबह से मैंने सारे घर के काम किए थे, तो मैं जा रही हूँ किचन में। मैंने खीर की आधी तैयारी करके रख दी है, मतलब चावल भिगो के रख दिए हैं। और देखो 4:15 हो गए हैं, पता है। ये देखो मैंने चावल भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर पहले ही, ये रखे हैं। और पुए के लिए मैंने चीनी भी गलने के लिए रख दी है, मार्केट से आके बनाऊंगी पुए। तो मैं तो ड्राई फ्रूट्स ना खत्म होने पे आ गए हैं, मतलब काजू नहीं है मेरे पास में, किशमिश है, चिरौंजी है, बादाम है, पिस्ते हैं, नारियल है, मखाने हैं, सब है, लेकिन काजू नहीं है। अब ये क्या है, अब सारा सामान आने पर है ना, दिवाली आने वाली है इसलिए चीजें जो है खत्म होती जा रही है। फिर मैंने देखा कि यार क्या क्या ड्राई फ्रूट से निकाल लेती हूँ। हाँ केसर भी रखा है शायद, तो बढ़िया से खीर बनाऊंगी आज। और ये देखो बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं क्योंकि लंच करने के बाद थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करने लग गई थी, थक गई थी यार सुबह से काम कर रही थी तो। और आप सब लोग क्या करते हो शरद पूर्णिमा पे मुझे जरूर बताना, ठीक है। ये देखिए थोड़ी सी कढ़ी बची हुई है, इतनी सी बची हुई है कढ़ी, आज बहुत थोड़ी बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। जब थोड़ी चीज बनती है ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, ऐसा होता है ना। और राइस रखा हुआ था। आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे बोल तो दिया, आ रही हूँ। अच्छा ये देखिए आजकल पॉलीथिन बंद हो गई है और ये भी पॉलीथिन है, तो बैग लेके जाना चाहिए था ना, गलती किसकी है। देखो ये भी पॉलीथिन है लेकिन ये बंद नहीं हुई है क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के लिए चांदी का डब्बा है। बैग लेके जाया करो अब क्योंकि पॉलीथिन बंद हो गई है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉलीथिन में ही पैक होके मिलती है, जैसे दूध की जो पॉलीथिन होती है वो दूध तो पॉलीथिन में मिलेगा, पेपर में कैसे दे सकते हैं, पेपर में गल नहीं जाएगा है ना। तो चलिए अब मैं खीर बनाती हूँ फटाफट। तो ये दूध लेके आए थे, मैंने इनको मैसेज कर दिया था कि हरी वाली इलायची होती है वो ख़त्म हो गई थी घर में। मैंने इनको बोला कि लेके आना क्योंकि उसके बिना खीर में अच्छा टेस्ट नहीं आता है, मुझे उसका फ्लेवर अच्छा लगता है इलायची का। तो इलायची लेके आए, उसे ही निकाल के रख रहे हैं प्लेट में। और मैंने दूध की थैलियों को धो दिया है, उसके बाद ही दूध मैंने बर्तन में निकाला है क्योंकि थैलियों पर बहुत सारे हाथ लगे हुए होते हैं और धूल मिट्टी भी होती है, तो पहले धोना ज़रूरी है। और बस मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है,
चावल मैंने गलने के लिए रख दिए थे, उन्हें धोकर डाल दूंगी। और मेरे कुछ बर्तन जो हैं थोड़े से गंदे हैं, मतलब सिंक में डले हुए हैं, तो मुझे चम्मच चाहिए थी खीर को चलाने के लिए, तो बस वही साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करके ले आई हूँ। और यहाँ पे जो चावल मैंने गलाए थे वो मैं अच्छे से 2 से 3 बार पहले धो लूँगी। एक बार धोकर ही मैंने गलाए थे, क्योंकि धूल मिट्टी होती है वो निकल जानी चाहिए गलने से पहले। तो बस चावल को अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे, उसके बाद मैं चावल दूध में डाल दूँगी, दूध बॉयल हो जाएगा उसके बाद। और आजकल मेरा कैमरा जो है चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है, तो उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्लिप जो है मिस हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाले हैं, वो मैं इन्हें काट रही हूँ बारीक बारीक, और उसके बाद खीर में डालने रहेंगे। तो गाइस चावल मैंने धो के रख दिए, ड्राई फ्रूट्स मैं काट रही हूँ, और दूध भी जो है वो बॉयल हो गया है। दूध बॉयल हो जाएगा उसके बाद मैं चावल डाल दूंगी। कभी कभी मैं फ्राई करके डालती हूँ चावल को थोड़ा सा घी में, लेकिन आज ना घी खत्म हो गया है। घी मुझे लेके आना यार, घी तो है लेकिन वो रोटियों वाले डब्बे में है तो उसको मैं यूज नहीं कर सकती हूँ। जो फ्रेश दही फ्रेश घी होता है ना वो खत्म हो गया है, तो मैं इसलिए आज फ्राई नहीं कर रही हूँ। आज बिना फ्राई किए हुए खीर बना रही हूँ, ये भी अच्छी बनती है, लेकिन फ्राई करने से और अच्छी खीर बनती है, बहुत अच्छी बनती है। एक चम्मच घी डाल के चावल को फ्राई करना होता है, बस थोड़ा सा हल्का ब्राउन करना होता है, उसके बाद डाल दो दूध में, तो उसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, उसके बाद ही मैं चावल डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध के लिए आधा कटोरी चावल लिया है, क्योंकि ये ना बनके बहुत डबल हो जाता है चावल, इसलिए मैंने आधा कटोरी लिया था। और आप अपने दूध के अकॉर्डिंग चावल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक खीर अच्छी नहीं लगती है, और बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी सी अच्छी मिक्स होनी चाहिए। तो बस मैंने चावल डाल दिए हैं, थोड़े से बर्तन थे साफ़ करने के लिए तो वो मैं साफ़ करके रख देती हूँ, बीच में मुझे टाइम मिल गया था, क्योंकि इवनिंग का टाइम तो हो ही गया। ये लंच के बर्तन हैं थोड़े बहुत, और अभी मुझे मार्केट भी जाना है, फिर वहाँ से आके और भी ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन वगैरह भी क्लीन कर ही लेती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं, किशमिश, बादाम, पिस्ते, चिरौंजी, और ये है गरी, जिसे मैंने आज ग्रेट नहीं किया है, ऐसे ही मैंने काटा है, इसे बारीक बारीक, अच्छा लगता है मुँह में आता है। तो ये केसर है, मैंने बॉयल होते हुए ही डाल दिया है केसर को, जिससे अच्छा सा कलर छोड़ देगा और फ्लेवर जो है अच्छे से ऐड हो जाएगा खीर में। मैंने केसर निकाला तो मुझे टॉफ़ी मिल गई, एक और रखी हुई है फ्रिज में, काफ़ी दिन हो गए इन्हें रखा हुआ, चलो इन्हें खाया जाए। डेयरी मिल्क आप भी खा लीजिए गाइस, मीठा हो जाए। चलो इनसे भी पूछती, ये भी खा लेंगे। टॉफी खा रहे हो यार, किचन में कितनी गर्मी हो रही है, टॉफी खा रहे हो? तो टॉफ़ी इंजॉय करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और खीर जो है वो अच्छे से बॉईल हो गई थी, मैं बिल्कुल सिम पे रख के गई थी, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चावल जो है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैंने चीनी निकाली है, लेकिन पूरी भर के नहीं डालूंगी, आधी ही डाली थी मैंने, थोड़ी सी बचा ली थी क्योंकि ज़्यादा थी। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर लीजिए, और चीनी के साथ भी थोड़ी देर से पकाना है, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये ऑयल रखा हुआ था तो इसमें से ही मैं यूज़ करती आ रही थी, क्योंकि ये बर्तन जो है ऑयल का साफ़ नहीं था, इसे मैंने कल ही क्लीन किया है, अच्छे से सुखा दिया है, और अब इसमें मैं जो है रिफाइंड ऑयल भर के रख रही हूँ। बहुत कम यूज़ करती हूँ ऑयल वगैरह, मैं जब पूड़ी वगैरह थोड़ा बहुत बनता है तो ही यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ, और घी अभी जो है ख़त्म हो चुका है। तो बस खीर अच्छे से बॉयल हो चुकी है चीनी के साथ में। अब यहाँ पे मखाने और किशमिश ऐड कर रही हूँ, ये बादाम है और गरी है, तो ये मैंने अभी डाल दिए हैं। पिस्ते और वो मैंने अभी बचा दिया है चिरौंजी, वो मैं लास्ट में डालूंगी, क्योंकि उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है,
ये जो ड्राई फ्रूट्स अभी मैंने डाले हैं ना, ये थोड़े से दूध के साथ में पक जाते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया लास्ट में, ये और आधे घंटे के लिए मैंने और पकाई थी, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। और ये जो पिस्ते चिरौंजी बनाई बचाई थी मैंने, वो भी डाल दी है। और ये आप थिकनेस देख सकते हो खीर की, कितनी टेस्टी दिख रही है, बहुत ही यम्मी बनी थी सच में। मुझे चावल की खीर बहुत पसंद है, साबूदाने की। तो गाइस मैं मार्केट जा रही हूँ, मार्केट से आके फिर आपसे बात करूंगी, जो शॉपिंग करके लेके आऊंगी वो आपको दिखा दूंगी। और मार्केट से आने के बाद मुझे जो है खीर तो बन गई है, पुए बनाने हैं और भोग लगाऊंगी भगवान जी का। ऊपर छत पे भी खीर रखनी है मुझे, और फिर वहां से आके रेडी भी होना है, तो प्रोग्राम में जाना है आज, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। आप रेडी हो? चलें तो चलिए मैं आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मार्केट से आने के बाद सारी सब्जियां धो करके मैंने रख दी थी थोड़ी देर के लिए, जब तक मैंने आटा लगाया, पुए का घोल वगैरह तैयार किया, तब तक सब्जियां सूख गई हैं। तो मैं ना फटाफट से डलिए में रख के स्टोर कर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत भी फुर्ती में काम कर रही थी इस टाइम पे, क्योंकि जल्दी थी मुझे, और अभी भगवान का भोग भी लगाना है, ऊपर छत पर भी जाना है, और मुझे तैयार भी होना है। इस टाइम अभी 7:30 का टाइम हो रहा था, और बस फटाफट से पहले मैं पूड़ियाँ बना के रख लूँगी सारी, क्योंकि हम खा के भी जाएंगे, थोड़ा सा डिनर करके ही जाएंगे, और भगवान का भोग भी लगाना है, तो सबसे पहले बना लेती हूँ मैं। तो गाइस मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे चंदू मामा के लिए खीर लेके। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ, और आप सामने देख सकते हैं, मैंने आपको चांद भी दिखाया था, बहुत ही सुंदर चांद लग रहा था, और ये उनके भोग के लिए खीर पूरी पुए रखे हुए हैं। तो गाइस मैं ऊपर से आ गई हूँ, और भोग लगा दिया, भगवान जी का भी लगा दिया है ऊपर, चंदा मामा का भी लगा दिया है, और प्रसाद जो है वो मैंने खीर में मिक्स कर दिया है, तो हम लोग अभी खाएंगे थोड़ी देर से। लेकिन उससे पहले मैं हो रही हूँ तैयार, और शॉपिंग करके क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको फ्री होके बताऊंगी, लास्ट ब्लॉग में बता दूंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी में, मुझे फटाफट से रेडी होना है, क्योंकि हमें निकलना है, आज लखा जी का प्रोग्राम है। तो सब्जी लेके आई थी, सब्जी तो मैंने फटाफट से लगा दी है फ्रिज में धो के, और खाना भी बन गया है, तो हम लोग खाना खा के जाएंगे थोड़ा सा। तो
और बस फटाफट रेडी हो जाती हूँ उसके बाद। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने ये सूट पहना है। मैं ना पहले साड़ी पहनने वाली थी लेकिन मेरे पास ना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई, मतलब सिर्फ 5 मिनट में रेडी हुई हूँ मैं, और रेडी भी हो गई और खाना भी खा लिया इतनी देर में मैंने ये वाला सूट पहन लिया फिर फटाफट से और तुरंत रेडी हो गई। आधी तैयार तो मैं थी ही, आधी और हो गई हूँ, और बस मैंने खाना खा लिया है, ये खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। और लौट के कब आएंगे ये नहीं पता मुझे, और जब भी आएंगे आपके साथ वीडियो तो कंटिन्यू करना ही है, आपको लखा जी के भजन भी सुनाएंगे थोड़े बहुत। और चलिए फिर मैं आपको वहीं पे मिलती हूँ। सो गाइज आप सभी दर्शन कर लीजिए माता रानी की, जो जल रही है, और ये देखिए कितना सुंदर दरबार सजाया था, बहुत ज़्यादा सुंदर, जितनी तारीफ करो उतनी कम थी। माता रानी झूले पर बहुत सुंदर लग रही थी, सच बताऊँ तो मुझे झूले पर ही बहुत सुंदर लगती है माता रानी। और ये सभी भगवान जी बैठे हुए हैं, और आप सब भी दर्शन कर लीजिए सभी भगवान के, माता रानी के आशीर्वाद ले लीजिए। तो ये मैंने आप सभी को दिखाने के लिए एक छोटी सी क्लिप बनाई थी दरबार की। अब हम सभी लोग यहाँ पे बैठ के डिनर कर रहे हैं, ये पूरा ग्रुप है गुरुजी का, बहुत ही शानदार बजाते हैं ये सभी लोग, और बहुत पुराना ग्रुप है गुरुजी का ये, और हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं जैसे कि आप देख ही सकते हो। और मैं बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं, और हमारे जस्ट सामने लखा जी बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सामने आप देख सकते हो वो बैठे हैं, यहाँ पे हमारे छोटे गुरु जी बैठे हैं सुखविंदर जी, और हम सब लोग डिनर कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं घर जाके आपसे मिलती हूँ।
हेलो एवरीवन, मैं बहुत देर के बाद आपसे बात कर रही हूँ और थोड़ा सा धीरे ही बात करूँगी क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। कितने बज रहे हैं अभी? रात के बज रहे हैं 2:10 हो गए हैं, है ना? 2:05 हो गए हैं और हम लोग अभी आए हैं, जस्ट मतलब 5 मिनट ही हुए हैं आए हुए। मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए हैं और इयररिंग्स वगैरह निकाल दी क्योंकि बहुत हैवी हो रहे थे। और हाँ, ये मुझे वहीं पर बांधा गया था, कंगन है बहुत ही सुंदर सा ना, ये देखिए लटकन है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत यम्मी हम लोगों ने डिनर किया। मैं तो करके भी गई थी, ये भी करके गए थे, लेकिन फिर भी गुरु जी के साथ में थोड़ा थोड़ा हमने ले लिया था। और इनको ये दुपट्टा मिला हुआ था बहुत सुंदर सा, पिंक कलर का, है ना? अच्छा लग रहा है। और मैं आपको अच्छा शॉपिंग दिखा देती हूँ। मैंने सोचा ना कि मैं ब्लॉग को अभी एंड कर देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैं कब सो के उठूँगी मुझे पता नहीं है, खुद ही नहीं पता मैं कब उठूँगी। और मैं शॉपिंग करके लेके आई थी ना, वो ऐसे ही मैंने रख दिया था, फटाफट से रेडी होके चली गई थी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से निकाल देती हूँ, यार गर्मी लग रही है। एक तो ना मैंने फ़ैन को ऑफ कर रखा है क्योंकि नॉइस आती है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैं क्या सामान लेके आई हूँ मार्केट से। आज मैं सुहाग की चीज़ें लेके आई हूँ सारी, जो मुझे मदर इन लोग को देना है। तो साड़ी तो मैं ले आई थी, आपको दिखा दी थी मैंने, और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आपने खोल के नहीं दिखाई। तो चलिए मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगी, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं सीखें लेके आई हूँ। ये करवा चौथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे यहाँ पे। ये 7 सीखें हैं, हाँ ये 7 हैं। मुझे लग रहा था कि 7 दी हैं, वो बोल रही थी कि 5 रुपए की 7 सीखें हैं ये। और पहले ना बहुत बड़ी बड़ी सीखें आती थी, लेकिन अब तो ये बहुत छोटी आने लगी। ये देखो बस इतनी सी है, और ये बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ पे। मैंने कम से कम 4 से 5 शॉप देख ली थी, उसके बाद मुझे एक अम्मा जी के पास में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना वीडियो में, उनके पास ये मिली थी मुझे, तो फिर मैंने ले ली। और वो बोल रही थी कि 7 हैं, लेकिन उन्होंने 6 ही गिन के दिए हैं। बताओ, अब मैं कल लेके आऊँगी एक उनसे क्योंकि गिनती की होनी चाहिए, या तो 5 या फिर 7। तो मैं सोच रही हूँ 7 ही हो जाएंगी तो अच्छा है ना। और मैं एक और चीज़ लेके आई हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ ज़रूरी है कि नहीं है बताइएगा ज़रूर। ये जो होता है ना चीनी वाला करवा, ये बहुत ज़रूरी होता है पूजा में, तो मुझे आज मिल गया था तो मैं ये लेके आ गई हूँ। ये भी है ना सासू माँ को दिया जाता है साड़ी के साथ में, इसमें चीनी या फिर चावल भर के दिया जाता है साड़ी के साथ, सुहाग का सामान और ये सब रखा जाता है। तो मैं लेके आई हूँ सुहाग का सामान, वो आपको जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ, नहीं तो ब्लॉग जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक बिंदी का पत्ता है, ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ और उनके लिए मैं बड़ी वाली बिंदी रखूँगी जो कि मेरे पास रखी हुई है, ये मैं अपने लिए लाई हूँ, मरून कलर की है। जैसी मैं लगाई हूँ ना उसी टाइप में है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन है ये गोल्डन कलर का थोड़ा सा। और ये एक गार्नियर क्रीम लेके आई हूँ, मेहंदी के कौन लाई हूँ मैं 3, एक मेरे पास रखा हुआ है तो एक मुझे सुहाग में रखना है और ये 2 मेरे लगाने के लिए हो जाएंगे। चूड़ियाँ लेके आई हूँ मम्मी की साड़ी की मैचिंग की, तो पीच कलर की साड़ी है ना और उसमें गोल्डन काम हो रहा है, तो मैं ये इस तरह से चूड़ी लेके आई हूँ। और ये 24 चूड़ी हैं इस डिब्बी में, तो ये चूड़ी हैं, आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ मैं क्योंकि काफ़ी रात हो रही है, मुझे सोना भी है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। दिन भर से एक तो काम में लगी थी और सुबह कब उठूंगी इसका मुझे पता नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को जो है मैं एंड कर देती हूँ। ये कंघी है, ये है अलता, जो पैरों में लगाया जाता है ना, हमारे यहाँ पे महाबल बोलते हैं लेकिन यहाँ पे अलता बोलते हैं, तो ये अलता लेके आई हूँ मैं, ये बहुत ज़रूरी होता है सुहाग के सामान में देना। ये है सिंदूर, सूखा वाला सिंदूर लेके आई हूँ मैं क्योंकि सूखा सिंदूर ही मायने रखता है, महत्व रखता है, तो ये मैं सूखा वाला सिंदूर लाई हूँ। एंड लेके आई हूँ ये लिपस्टिक, और ये मैं नेल पेंट लेके आई हूँ 2 रेड कलर की, एक अपने लिए एक मम्मी के लिए, और एक और अपने लिए लेके आई हूँ ये वाली, ये भी रेड कलर की है, रेड नहीं है मतलब थोड़ा सा ऑरेंज कलर है ये, तो एक ये लेके आई हूँ मैं।
बस यही सारा सामान है और कुछ सामान मेरे पास रखा हुआ है, जैसे बिंदी हो गया, हैंकी हो गया, बिछुए मैंने ले लिए हैं, आपको दिखाती हूँ। बिछुए निकालना तो मैं भूल ही गई हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। तो बिछुए जो है वो मैं लेके आई हूँ, लेकिन वो मेरे पर्स में रखे हुए हैं क्योंकि मैंने पर्स में से सामान निकाला नहीं है अभी। ये तो सारा इसमें रखा हुआ था, तो कुछ सामान मेरे पास रखा हुआ है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि सास की साड़ी के साथ में क्या क्या सुहाग का सामान हमें देना चाहिए। तो ये सब रख देती हूँ और आपको फटाफट से बिछुए और दिखाती हूँ। देखिए पहले तो मेरे पास कुछ सामान रखा हुआ था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि काजल मेरे पास रखा हुआ था, ये काजल हो गया, और ये जो बिंदी है थोड़े से बड़े साइज में है और कलरफुल है, तो ये वाली मैं बिंदी रखूंगी, न्यू है बिल्कुल। मैं बहुत सारी बिंदियां लेके आई थी क्योंकि श्रृंगार का सामान मुझे लगता ही रहता है। और ये इस तरह से पैकेट में मुझे बिछुए मिले हैं, आज ही मैं इन्हें लेके आई हूँ और आपको दिखाती हूँ। दो दो बिछुए लेके आई हूँ मैं मम्मी के लिए, मेरे पास नए बिछुए रखे हुए हैं इसलिए मैंने अपने लिए नहीं लिए, लेकिन उनके लिए लेके आई हूँ मैं। ये देख सकते हो आप, इस तरह से डिज़ाइन है, ये कैसे दिखाऊँ ऐसे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सुंदर सा डिज़ाइन है। और ये देखिए, तो ये दो दो बिछुए जो है वो उनके लिए हैं और मेरे पास तो रखे हुए हैं पहले से, बिल्कुल नए हैं, मतलब मैंने पहने ही नहीं है, मेरी मम्मी ने दिए थे तो मैं वो वाले पहन लूंगी और वो आपको तभी दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी। तो बस इतनी सी शॉपिंग मैं करके लेके आई थी, सब्जी लेके आई थी जो कि मैंने आपको दिखाया था, सब्जी तो मैंने सारी लगा दी थी फ्रिज में। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को एंड करती हूँ मैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रेड कलर का, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि बहुत रात हो गई है यार, और सुबह अब कब उठूंगी पता नहीं है। ये बाहर बैठ के अपना फ़ोन चला रहे हैं, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ तो वो फ़ोन चलाने लग गए हैं वहाँ पे। आओ चलो, तो चलिए बाय बाय।